वड्डी खबर सूबे दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शहर तो सामने आ रही है जिथे किसान जथेबंदियां वल्लों दिल्ली कटड़ा हाईवे लई कौडियां दे भा लईआं जा रहीआं जमीनां दे विरोध च प्रदर्शन कीता जा रहा है। दस दईए कि किसान जथेबंदियां वल्लों मुख्यमंत्री दे महल दे बाहर अणमिथे समें लई प्रदर्शन करन दा ऐलान कीता गया जिस दीआं तैयारीआं लई तकरीबन हज़ारां दी गिनती च किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लै के पटियाले पहुंच रहे ने। किसानों का कहना है कि असी लगातार 6 दिन मुख्यमंत्री दे महल दे बाहर शांतमई प्रदर्शन करांगे अते जेकर उस तो बाद भी साडी कोई गल ना सुनी गई तो असी अपना संघर्ष तेज करांगे। मैं सारे मेरे वीरां नूं एक बेनती करना चाहुंदा जिहड़ी अज दी रात साडी सड़क ते कट्टी जा रही है इहदा जवाब सवेरे तुसीं देणा कि सरकार नूं की जवाब देणा जिहड़ी सरकार अज सारा दिन सुत्ती रही है असीं ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਦਿਓ पिछले कुछ साल का इतिहास देखें तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी के कार्यक्रम ऐसा दिखाते हैं वो किसानों के साथ खड़े और मुझे तो लगता है किसानों के साथ पंजाब में सभी पार्टियां अपने समय पर खड़ी रही क्योंकि किसानों के बल पर ही हरियाणा और पंजाब में राजनीति चलती सरकारें बनती हैं तो 4 गुना मुआवजा ग्रामीण क्षेत्र का भी 12 तारीख को नोटिफिकेशन पंजाब सरकार लेके आई। हम कैप्टन साहब का धन्यवाद करते हैं क्योंकि बाकी राज्यों को 4 गुना मुआवजा मिल रहा था दिल्ली को गुजरात को लेकिन मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं मैं पूरे कागज जुटा के आया हूं आप हमारे जब बात करें गुजरात में नरेंद्र मोदी ने जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट था उसमें बाजार मूल्य से मुआवजा दिया डीसी रेट से नहीं डीसी रेट का रद्द करके बाजार मूल्य से दिया है और वही हमारी मांग है और यही नहीं वह पुनर्वास का 50% जितना मुआवजा मिला वो मोदी जी ने अलग दिया तो ये तय करना ये राज्य सरकार का अधिकार है और पैसा देना केंद्र सरकार का क्योंकि रोड का महकमा केंद्र सरकार का है लेकिन आप उसको तय करें उसको रिवाइज करें और ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ ये 2019 में मैं भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष होने के नाते रमेश दलाल जी वहाँ लड़ाई लड़ रहा था तो हरियाणा सरकार ने हमारे से वार्ता करके और एक लेटर हमें दिया और उन्होंने बाजार मूल्य तय करवाया और वही बाजार मूल्य हम पंजाब में तय करवाना चाहते हैं वो गुजरात में हो चुका वो हरियाणा में हो चुका तो पंजाब में कैप्टन साहब हमारे मुखिया हैं हमारे पंजाब के पूरे परिवार के मुखिया हैं और पंजाब के पूरे परिवार के मुखिया हैं तो हमें परिवार के मुखिया से न्याय चाहिए इसलिए हम दरवाजे पाए और यदि 27 तारीख तक इसका समाधान नहीं निकाला तो 28 को छोटी ओली 29 को बड़ी जिसको हम धुरंडी बोलते हैं नहीं तो 27 तारीख को 5 राज्यों के किसान भी यहाँ पर इस धरने में शामिल होंगे और वो होली नहीं मनाएंगे यहीं बैठेंगे और जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा वो 5 राज्यों के किसान यहाँ से वापिस नहीं जाएंगे। हम पूरी टीम को हरमनप्रीत जी जो नेतृत्व कर रहे सारे हमारे जिलों के प्रधान हम इनको आश्वासन दे के जा रहे हैं कि 27 तारीख को मैंने सुबह मीटिंग रखी हुई है वो मीटिंग खत्म करते ही हम यहाँ के लिए कुछ करेंगे और 28, 29 और जब फिर 1 महीना लगे वहाँ भी आंदोलन चलता रहेगा लेकिन क्योंकि यहाँ इस पड़ाव पर पहुँच गया इस मोड़ पर पहुँच गया कि हमें यहाँ आना पड़ेगा और यदि हम शांतिपूर्वक गांधीवादी हम कोई कानून को तोड़ने नहीं जा रहे हम शांति से अपना हक मांगने के लिए आए लेकिन कुचलने की कोशिश की उत्पीड़न को कोशिश की पंजाब सरकार ने तो यहीं से 5 राज्यों का जेल भरो आंदोलन भी शुरू करेंगे ये भी हम घोषणा करके जा रहे हैं। आप हमें उठा के किसी को भी अब पीछे से हरमनप्रीत अकेला नहीं है हमारे जिलों के प्रधान ये किसान अकेले नहीं है यदि आपने इनमें से किसी को भी गिरफ्तार किया तो ये समझ लो कि हमारा जेल भरो आंदोलन चलेगा और ये इतिहास रमेश दलाल का भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति का देख लेना आपकी तरह कांग्रेस का मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा था अपने ही गृह जिले रोहतक में
जब उसने ऐसे ही ज्यादती की तो 2011 में मेरे नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन 19 दिन तक चला और मुख्यमंत्री को पीछे हटना पड़ा, हमारी जीत हुई। तो मुख्यमंत्री जी, हम आपके पास न्याय मांगने के लिए आए, अपना हक मांगने के लिए आए, आप हमारा हक दे दीजिए, नहीं तो हम संघर्ष करेंगे गांधीवादी तरीके से। हम जेल भी भरेंगे, हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हम अपना शरीर भी त्याग सकते हैं, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। दस दें कि हुण तो ही किसानों वालों मुख्यमंत्री के शहर च प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया है। किसानों की मांग है कि उन्होंने दिल्ली कटड़ा हाईवे लिए उन्होंने जमीन का बनता हक दिता जाए। पटियाला तो कमल दुआ की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पर क्लिक करो।